गुड इवनिंग दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल के तरफ। हॉस्पिटल में कुछ लैपटॉप का प्रॉब्लम है, कुछ लैपटॉप देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। और उनका जो प्रिंटर में L380 प्रिंटर है, उन्हें 380 में हम इंक डालेंगे। दिखाऊंगा कैसे रिफिलिंग करते हैं 380 को, क्या करते हैं, क्या क्या काम हुआ, सब कुछ दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, अभी हम पहुँच गए हैं, यहाँ से पहुँच गए हम हॉस्पिटल। ये देखिए, आगे से जाएंगे उस तरफ से, यहाँ चले चले कोई नहीं, इधर से चलेंगे हम। हेडक्वार्टर में पहुँच गए हैं अभी हॉस्पिटल हेडक्वार्टर में। उनको फ़ोन करेंगे जो सर का लगेगा, उसमें इंक डालेंगे हम जिनका प्रॉब्लम है। पहले मैं फ़ोन करके आपको बताता हूँ। हम आ गए हैं अभी डाटा सेंटर में। ये सर का बुलाए थे, सर बुलाए थे हमें इप्सम का प्रिंटर में इंक डालने के लिए। और कुछ लैपटॉप भी दिखाएंगे यहाँ से। ये डेटा सेंटर है। देखिए दोस्तों, ये इप्सन का 380 प्रिंटर है, जो कि बहुत बढ़िया प्रिंटर है। L380 है इसमें इप्सन। देखिए, इंक है ऑलरेडी इतना इतना सा, फिर भी यहाँ थोड़ा ख़त्म हुआ था, ये इंक ख़त्म हुआ है। फ्रेंड्स, आप जब भी इंक डालेंगे ओरिजिनल ही डालिए, और कहीं इंटरनेट वगैरह से मत मंगाइए। आप हमेशा जेन्युइन इंक ही डालिए। इसमें 664 का इंक डलता है। ये चार, ये है सियन, ये मजेंटा येलो एंड ब्लैक, सियन मजेंटा येलो एंड ब्लैक। अब अभी हमारा सौम्य जो डालेंगे अभी। जब भी आप इंक बाय करेंगे, कहीं दुकान से ही बाय करिए। कुछ लोग होते हैं, लाता हूँ डुप्लीकेट भी, लेकिन डुप्लीकेट डालने से प्रॉब्लम यह है कि आपका जो हेड है वो हेड ख़राब हो जाएगा। ख़राब होने पे आपको लगभग 4,500-5,000 रुपया खर्चा होगा। मान ली आप 2,400 रुपये के लिए 4,500-5,000 खर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, अभी सियान का बोतल सोम्या ने ओपन किया है। ये ऐसा सील ब्रोकन होगा, सील को निकालना पड़ेगा। सील निकालने के बाद आराम से सील निकालने के बाद कैप वापस से ऐसे ही लगाना है। वापस लगा के इसको निकालना है। ये सियान है, एक कैप निकालना है इसका। सीधा ही उल्टा करना है, बस उल्टा दो उसको। जितना लगेगा ऊपर तक भरो, ज़्यादा मत भरो, ऑलरेडी इंक था। देखिए दोस्तों, यहाँ तक इंक आ गया है, आप देख सकते हैं यहाँ तक इंक आ गया है। इसको भर देंगे, अभी बंद कर देंगे कैप। फिर इसका मैजेंटा को निकालेंगे, वैसे ही चारों के चारों फिल कर देंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं अभी हम टेस्ट पेज निकालेंगे। टेस्ट पेज निकालने के लिए मैं शॉर्टकट की यूज करूंगा, विंडो आर मारूंगा, रन आएगा। यहाँ पे कंट्रोल लिख दूंगा, कंट्रोल लिख के एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे देखिए व्यू डिवाइस एंड प्रिंटर आएगा, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। अभी देखिए, यहाँ पे डिवाइस एंड प्रिंटर में जाकर प्रिंटर में जाना है, प्रिंटर एंड स्कैनर। यहाँ पे जाके इप्सन 380 यहाँ पे क्लिक करना है। ये विंडो 10 है, इसलिए थोड़ा अलग है। देखिए सर, सारे इंक फिल कर दिए। फिल करने के बाद ऐसा दिखेगा, सब में यहाँ तक चारों में भर गया है। अभी प्रिंटआउट टेस्ट करेंगे, प्रिंटिंग में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। कंप्यूटर का ऑन करेंगे सर का। जेरोक्स भी देख सकते हैं हम, जेरोक्स कर लेंगे, नहीं तो हाँ कंप्यूटर भी ऑन है, अभी देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं अभी हम टेस्ट पेज निकालेंगे। टेस्ट पेज निकालने के लिए मैं शॉर्टकट की यूज करूंगा, विंडो आर मारूंगा, रन आएगा। यहाँ पे कंट्रोल लिख दूंगा, कंट्रोल लिख के एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे देखिए व्यू डिवाइस एंड प्रिंटर आएगा, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। अभी देखिए, यहाँ पे डिवाइस एंड प्रिंटर में जाकर प्रिंटर में जाना है, प्रिंटर एंड स्कैनर। यहाँ पे जाके इप्सन 380 यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे प्रिंट प्रॉपर्टीज में जाएंगे। प्रिंट प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट टेस्ट, प्रिंट टेस्ट मारेंगे अभी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे टेस्ट पेज निकल रहा है, देखते हैं क्या कैसा आ रहा है प्रिंटिंग। प्रिंटिंग बिल्कुल सही आ रहा है, यहाँ से थोड़ा लाइनिंग है,
इसको क्लियर कर देंगे। अभी क्लियर करने के लिए हमें जाना पड़ेगा, परफॉर्मेंस में जाएंगे, मेंटेनेंस में जाएंगे, नोजल चेक करेंगे, नोजल चेक में क्लिक करेंगे। नोजल चेक क्लिक करने के बाद थोड़ा टाइम में लगेगा, ये आ गया, इसको प्रिंट देंगे हम। प्रिंट देने के बाद देखते हैं कैसा क्वालिटी आता है। नोजल चेक में दिखाइए थोड़ा पास में आके, ये देखिए ये जो ब्लू कलर है, सियान कलर आया हुआ है, सियान में यहाँ पे लाइन नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले वही सेम जगह पे जाएंगे, प्रिंट प्रॉपर्टीज में जाएंगे, यहाँ पे देखिए परफॉर्मेंस में जाएंगे, मेंटेनेंस में जाएंगे, इसको हेड क्लीन कर देंगे। स्टार्ट, थोड़ा टाइम लगेगा, 5 मिनट तक लगेगा, 5 मिनट के बाद क्लीन होके दोबारा प्रिंट करके हम दिखा, प्रोसेसिंग चलेगा चलेगा, लास्ट यहाँ तक है, ये खत्म हो जाएगा। खत्म होने के बाद नोजल चेक दोबारा से करेंगे, ऐसा फिनिश आएगा, हम फिनिश करेंगे फिर नोजल चेक करेंगे। यहाँ पे दिखाइए, जो पेपर पिछली बार हमने नोजल चेक किया था उसी पेपर में ही मैंने कर दिया वापस से, ये देखिए यहाँ क्लियर आ गया, अभी ठीक है। सर का टोटल प्रिंट आउट हो गया 9433 प्रिंट आउट हुआ है, ब्लैक एंड वाइट 5946, कलर हो गया 3427, ब्लैंक पेज निकला हुआ है, 60 पेपर निकला हुआ है ब्लैंक पेपर। दोस्तों अभी देखते हैं, सर कुछ बोले थे लैपटॉप कुछ है, लैपटॉप का क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं देखते हैं। सर का एक एचपी का डेल का बैग में एचपी लैपटॉप निकला, और एक दूसरा भी एचपी है, चलिए देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। एचपी का ये मॉडल है, कहीं तो दिख नहीं रहा है क्या मॉडल है, यहाँ पे देखेंगे मॉडल कहाँ पे पता नहीं चल रहा है, चलिए देखते हैं खोल के क्या प्रॉब्लम हुआ है। दोनों लैपटॉप जिंदा है, बट इसका प्रॉब्लम ये है सिर्फ बैटरी का इशू है, निकालते ही बंद हो रहा है, दोनों को फॉर्मेट मानना पड़ेगा, इनको कोई पासवर्ड भी उन्हें पता नहीं, कुछ भी नहीं है, दो दिए हैं और दो देंगे बोले हैं, चलिए देखते हैं और दो का क्या प्रॉब्लम है। दूसरा लैपटॉप ये भी ऑन हो रहा है, सब में शायद बैटरी का ही इशू है, बट लैपटॉप ठीक ठाक है, थोड़ा टाइम लग रहा है। यहाँ भी पासवर्ड डाला हुआ है, पासवर्ड नहीं पता है, कोई बात नहीं, इसका भी सेम इशू है, ये बैटरी ही लगेगा इसमें भी, ये भी चार्जर लगाते ही ऑन हो रहा है, 4 नंबर है ये है, इसमें थोड़ा सीमोस सेटिंग करना पड़ेगा। ये कीबोर्ड भी बदला गया है शायद, ये नहीं चल रहा है, इसका थोड़ा सेटिंग करना पड़ेगा, देखते हैं। दोस्तों हम चलते हैं, मैं बोल दिया हूँ उनको पहले चार्ज में लगाएंगे चारों लैपटॉप को, फिर देखेंगे कितना समय क्या रहता है ये चार्जिंग, तब देखेंगे हम। ये सारे चार्जर निकाल रहे हैं बैग बैग से, चारों के चारों चार्जर निकाले थे, हम चार्जिंग में लगाएंगे फिर देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। चलिए हम चलते हैं, अभी प्रॉब्लम ये है कि वो बोले थे कि चारों के चारों लैपटॉप रात में लगा के छोड़ने के लिए, मैं मना कर दिया कि नहीं, हम F12 मान के इसको डायग्नोस्ट कर देंगे, फिर कल 2-2.5 घंटा चार्ज बैठाएंगे, पता चल जाएगा। चलते हैं, अभी मैं दोबारा अपना सर्विस सेंटर में जाऊंगा, वीडियो एडिट करूंगा, फिर आपको बताऊंगा, अपलोड करूंगा, टाइम तो लगेगा। चलिए, अगर अच्छा लगा मेरा चैनल तो और मेरे वीडियो, प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, थैंक यू।